नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि कई लोग इसी दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि की अष्टमी के दिन महागौरी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं महागौरी की कथा। महागौरी माँ दुर्गा का आठवां स्वरूप है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णता गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें स्वीकार किया और इनके शरीर को गंगा जल से धुला, जिसके बाद देवी पुनः विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो गई, जिसकी वजह से इनका नाम गौरी पड़ा।